सो हेलो गाइस, क्या हाल, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का ये प्लान है कि मैं, सिड भाई और रेबेल हम लोग जाने वाले हैं मुंबई की तरफ, क्योंकि ये नवी मुंबई, मुंबई की तरफ जाने वाले हैं। कुछ स्टोर्स खुले हुए हैं, तो शॉपिंग व्लॉग आज का होने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि मैं मुंबई बेसिकली बहुत कम घूमा हूँ, लाइक लिटरली 1% भी नहीं कह सकते कि उतना मैं घूमा हूँ, जबकि मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो अभी कुछ 2:45 बज रहे हैं एंड मैं तो नहा धो के पूरा सेट हो चुका हूँ, तैयार हूँ मैं, सिड भाई भी तैयार हैं, रेवल भाई को अभी हमने उठाया, रेवल भाई हो रहे हैं तैयार, वो सेट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों का प्लान है 3 बजे तक हम लोग घर छोड़ देंगे, ताकि हम लोग बांद्रा के साइड जो जा रहे हैं वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएँ। एंड आज देखते हैं क्या खर्चा होने वाला है। ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं सेविंग करूँगा, क्योंकि गाड़ी लेने का अपना प्लान है, लेकिन थोड़ा बहुत तो यार अपने ऊपर भी चलता है। तो अभी चलते हैं और आज देखते हैं कि सिड भाई जहाँ पे घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं वो कौन कौन सी जगह है, एंड वहाँ पे चल के एक्सप्लोर करते हैं। कुछ अच्छा लगा तो हम अपने लिए उठा लेंगे, एंड देखूँगा, सोच रहा हूँ कि आज छोटा सा कुछ थग और पोछी के लिए भी ले लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से उन दोनों के लिए मैंने कुछ लिया नहीं है, ये अपना सीक्रेट रहेगा। लेकिन लेट्स गो और देखते हैं कि भाई लोग अपने तैयार हो गए हैं या नहीं। फर्स्ट मुलाकात मेरी आपसे ही हुई है अभी। अच्छा, अभी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप अभी उठे हैं? यस, मुलाकात हुई है। मतलब आप तो ये चाहते होंगे, आप तो ये चाहते होंगे कि गोल्डी नहीं, भाई हमेशा मुंबई में ही रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे आप ये मजबूर यही तो है, यार बच्चे भी तो है भाई, बीबी बच्चे भी तो है। अरे उनका कौन यार, आप सुनने को यार, हरीश जी के साथ हैं अभी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं मन लग रहा, बच्चों की याद आ रही है, आ रही है, वीडियो कॉल कर ली वाइफ की, नहीं अभी की थी। अच्छा हाँ, वाइफ की आ रही है, बोलो ना मेरा बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की आ रही है, मैं वाइफ की नहीं आ रही है, वो थोड़ा शाही है ना, शर्मीले हैं, बताते नहीं है, समझने के लिए सारे काफी होते हैं। और क्या, ये ले जा रहे हैं आज मुझे, मैं बहुत विनतियों के बाद मैंने इनको कन्विंस कराया कि मुझे भी मुंबई घुमा दो, बांद्रा के शॉपिंग करने जा रहा है। तू पैसा ढीला करेगा अपना, मुंबई जाओ करके आओ 50,000। अभी हम लोग तैयार हो गए एंड मैंने जूते वूते पहन लिए हैं, रेबेल इज ऑल्सो सेट, यहाँ पे पूरा बिछ चुका है पोडियम, अमन भाई का ऑपरेशन है आज, अमन भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, 300 के साथ अपना बेचारे ख्याल व्याल रखना भूल गए हैं, दाढ़ी वाड़ी बाल वाल ये सारी कर रहा तो रे। हाँ तो आज ध्यान आ रहा है इनको, आज हाँ तो बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, अभी तो गाइस थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, अमन भाई पूरा यहाँ पे सेट होके रखे थे लेकिन लाइट चली गई, थोड़ा सा ट्रिमर अब चल नहीं पाएगा। पारबेंच से चलता है ये? हाँ पारबेंच से चलता है, मेंस पे चलता है, पावर बैंक पे थोड़ी ना चलेगा, पावर बैंक पे चला रहा है वे रेबेल, क्या पावर बैंक पे so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain but hitting bottom is the only way to change सीन कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग रास्ते में रुक गए थे क्योंकि हमारे साथ एक भाई हैं उनको बहुत तेज भूख लग गई थी, थोड़े कमजोर हो गए हैं वो, हाँ तो उनको भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पहले शॉपिंग नहीं जा पाऊँगा, मेरे को करना है पहले पेट पूजा, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रश करके आया हूँ, तो हमें अपना थोड़ा सा रास्ता बड़प्पन दिखाना पड़ा, नहीं नहीं हमें रीराउट करना पड़ा। और हम लोग पहले गए कहाँ, सॉल्ट वाटर कैफ़े, सॉल्ट वाटर कैफ़े गए हम लोग, वहाँ पर हम लोगों ने पता नहीं क्या खाया, पता नहीं कहाँ कहाँ पैदल जा रहे हैं हम लोग, लेकिन वी डिसाइडेड टू वॉक, क्योंकि मैं और सिड भाई तो चलो हम लोग तो लौंडे टाइप लौंडे हैं, तो मैं तो क्या वो हूँ भाई, क्या बदतमीजी है, तुम थोड़े शेख हो ना, तो ये यार ये कैब में जाते हैं तो एक्सेल, मतलब हम लोग कैब से आए थे बट आउट ऑफ आदत ये बाहर जाके वाले को पूछ रहे गाड़ी कहाँ है वो याद दिलाना पड़ा कि कैब से आए थे, थोड़ा सा ताकत भाई जो है अपने आरपी से बाहर नहीं आ, रोल से नहीं आ रहे, प्ले ही करते चले जा रहे अपने रोल को, गलिया वलिया आप लोग देख लो कुछ, पता नहीं किन किन गलियों में से जा रहे हैं। सो अभी विल बी राइट इन टू द शॉप इन 3, 2, 1। मतलब शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि मैं चाहता था एक दो स्नीकर्स में ऐसे लो जॉर्डन्स जो इसके ऊपर चल सके, इतना अच्छे से ब्राइट तरीके से पता नहीं चल
लेकिन मुझे फैल रहा है भाई, कोई बात नहीं, मेरे को सही है। फ्लैप्स आ रहे हैं तेरे, ठीक है मैं ये ले रहा हूँ। अरे साइड से सच में फ्लैप्स आ रहे हैं, ये एम है, एल है, एम नहीं आएगा। ये है चाचा पर्दे के पीछे। गाइस अगर मैंने यहाँ पे आपको सिड भाई को कपड़ा चेंज करते हुए दिखा दिया तो मतलब आप लोग क्या मेरा 2 मिलियन करा दोगे? करा दिखाओ, दिखाओ मैं खुद दिखा दूंगा गाइस। आई विल बी रॉकिंग दिस। और ये किस लिए लिया? ये बिकॉज माई पर्सनैलिटी ब्लूम्स लाइक अ फ्लावर। सो या नाइस, ओके ओके। पर्सनालिटी के हिसाब से लेना तो ये भी है। हाँ कोई मुझे अगर अच्छा वाह। वैसे ये भाई ये कुछ ज़्यादा ही वो नहीं है अच्छी? अरे यार काश, अभी मुंबई वालों को यार ये सब मिलता नहीं है यार पहनने वाले। नहीं सीरियसली मतलब मुझे कितना तुम्हारे लिए खराब लग रहा है। बूट कैंप दिल्ली ले चलते हैं। मैं तो रेडी हूँ एक्चुअली। इन लोगों को एंजॉय करने को मिलेगा यार जो हम लोग एंजॉय करते हैं यार, जैकेट्स एंड ऑल। मुंबई शिफ्ट करने के लिए एंड थर्ड ये था। हाँ ये भी पहन ले तो बहुत अच्छा लगेगा। ये भी पहन लो यार। ये नहीं रुक, ये देख सिर्फ एक बार इमेजिन करो। सिर्फ एक बार यार मत करो ना यार सिड भाई। जैसे कि आपको पता है मैंने आज तक थग पोची और गोल्डी भाई के लिए नहीं लिया। थग और पोची के लिए तो मुझे मिल गया। डबल एक्सएल इज द लार्जेस्ट साइज दे हैव। मुझे ये सही लग रही थी बट मुझे लगता है गोल्डी भाई को आएगा नहीं डबल एक्सएल। गोल्डी भाई को हाँ, गोल्डी भाई को यहाँ तो आ जाता बट ये थोड़ा सा गोल्डी भाई का मतलब सुनो ज़ूम मत करो। मैंने बोला ये गोल्डी भाई का ये सर्कमफ्रेंस एरिया ज़्यादा है। हाँ मतलब तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मेरा इंटेंशन अच्छे थे। वही है गाइस कि अभी हम लोग दूसरी जगह जाएंगे शायद वहाँ पे गोल्डी भाई के लिए कुछ मिल जाए। सो सी तब के लिए मैंने ये लिया है क्योंकि आप लोगों को पता है थक की स्टाइलिंग थोड़ी सी अब रणवीर सिंह टाइप हो गई तो मैंने उसके लिए ये लिया। आई डोंट नो उसको कितना पसंद आएगा देखते हैं। उसको पसंद आ भी सकता है मेरे साथ, आ सकता है नहीं भी आ सकता है। उसके पास इसके बहुत सारे कलेक्शन हैं बट तो मतलब मैंने ये इसका एक शर्ट और ये शॉर्ट्स है उसका कॉम्बो लिया। लेट्स सी, दिल से दे रहा हूँ। अब पता नहीं ना सामने वाले की पसंद कैसी होती है। क्या हुआ मामा? अबे उल्लू के पक्के। अरे मेरी इस वाले पैर कंटेंट दो व्लॉग के लिए अपने। इस वाले पैर के बीच वाली उंगली चढ़ गई है नस मतलब। इस वाले पैर की बीच वाली उंगली चढ़ गई है। लाइक अगर हम देखें अच्छे से तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। हो गया हाँ चलो। वो एक बार हो गया था गाइस माफिया के साथ। माफिया एकदम से नींद में उठा था ओल्ड गेमिंग हाउस में। मामा मेरी उंगली खींच, मामा मेरी उंगली खींच। हम सब लोग सो रहे थे। लग गया था पूरा घर लग गया था पैर खींचने में। इतना बड़ा था उसके पैर है। हम जा रहे हैं जे वॉकिंग। कहाँ का ब्रांड है? खुद का ही है, इंडिया का ही है। हाँ तो जो बंदा ओन करता है ना। अरे ज्यादा बातें कर रहे हैं चलो जे वॉकिंग्स में मिलते हैं। ठीक है पका रहे हैं लोग। सिड भाई को पसंद आया, वो रेवेल को भी पसंद आ गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिड भाई ने जो है इसको ध्यान दे दिया कि चल तू ट्राई कर ले। अबे इसने इसका साइज भी ऐसे निकाला और वही सबसे मेरे को अभी हां हम लोग भी आगे उसी में जम गए। कर ले ट्राई कर ले तू। नहीं तेरे लिए तो मतलब बिल्कुल ही आ सकती है। सेठ भाई से तो बतला ही हूँ। पागल हो गया क्या? कूल लग रहा है। पता लग क्या लग रहा हूँ मतलब वो तो नहीं लग रहे हो लेकिन क्या बात कर रहे हो यार। हाँ मतलब हाँ बेटर देन दिस, बेटर देन दिस। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना कि हम जैसे बिल्ड वाले लोगों के लिए जो मोटे क्लॉथ का वो जो होता है ना टी शर्ट वो हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमारे बट हमारे वो नहीं क्या कहते पता लगते हैं। आपके पास ये है क्या? नहीं यार सेफ गाइस। तो मैं एक ये ले रहा हूँ और एक और है जो सीधा बूट कैंप में पहुँचेगी। अब हम लोग निकल रहे हैं गेमिंग हाउस पे। अब मैं जाऊँगा जाके थग और पोची को
उनका गिफ्ट दे दूंगा। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ थक के ब्लॉग में कि थक ही गिफ्ट बांटता है, लेकिन हम भी यार गोल्डी भाई के लिए हम भी कम नहीं है। लेकिन हाँ, अबे मैं ले रहा था गोल्डी भाई के लिए, लेकिन यार उनके लिए साइज का मिला नहीं। हाँ मतलब थक गिफ्ट ज़्यादा बांटता रहता है, मतलब वो नहीं मैं लेना चाहता था उनके लिए, लेकिन थक के लिए लकीली मिल गया। लेकिन हाँ गोल्डी भाई का पेंडिंग है, उनको देंगे कुछ। बहुत मुश्किल है भाई थक को देना, सब दुनिया का सभी कुछ है भाई। हाँ आप सबसे ज्यादा क्या दे सकते हो? एलवी दे सकते हो, बंदे पास एलवी का सब कुछ है। दे सकते हो सब, सब है मतलब क्या दे? मोस्टली मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं गेमिंग हाउस। सो गाइस हम लोग गेमिंग हाउस आ गए हैं, और मैं अभी देखा मैंने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थक सो रहा है या पूछी सो रहा है, तो अभी वो दोनों जग रहे हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं एंड जाके उनको देखते हैं, वो उनको पसंद आ जाए। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स गो, चलते हैं। हेलो, क्या हो रहा था? कुछ हम लोग वीडियो देख रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, फुल वो देख रहे थे। थक भाई आप बहुत देख रहे थे हम रिसेंटली, आप ब्लॉग व्लॉग बना रहे थे, आप गिफ्ट विफ्ट दे रहे थे। अच्छा, छोटा सा हम गए थे शॉपिंग करने, तो हमें आपका ख्याल आया। क्या बात है, हम कुछ लेकर आए। एक इसमें पोची का भी है। वाह, ओह माय गॉड, दोनों आपका है थक भाई। सेक्सी की कैसेट, ये ले पोची। ये पोची का है। ओह माय गॉड, फक इनसेन। मैं बिना वो करें ही बता दिया कि दिस सेक्सी बिच एकदम करेंटली दिस इज व्हाट आई एम ट्रिपिंग ऑन। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि थक भाई को क्या देंगे, एलवी का सब हो गया, गुची सब हो गया, सस्ता आइटम कैसे देंगे। तो हम लोग को पता नहीं था, बिलिंग किया हम लोग ने, क्या पता नहीं कोइंसिडेंस द मोस्ट एक्सपेंसिव शीट आउट ऑफ एवरीथिंग। सीरियसली मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस इज वेरी सेक्सी, थैंक यू। अरे भाई so whatever you do it is देखो पता है मैंने तेरा बैग नहीं थैंक यू नहीं पैसे उन्होंने दिए भाई, थैंक यू उनको ही बोलो। अच्छा स्वराज के लिए जो ज्यादा मुश्किल नहीं था, जो सबसे चीप दिख रहा था वो उठा के लाया। ये देखो ना, ये एकदम जैसे आया ना, लाइक दिस इज मेंट फॉर स्वराज। एग्जैक्टली, ये जैसे आया ना, तीन लोग तीन लोगों ने ऐसे बोले स्वराज, ये ठीक है, मेंट फॉर स्वराज। सच्ची बात है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को इसी टाइम। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग स्ट्रीम वीम करके वापस आ चुके हैं। बहुत जल्दी स्ट्रीम करने फट से भागा हुआ है क्योंकि टाइम निकला चला जा रहा था। लोगों पे मस्त स्ट्रीम किया एंड यस थोड़ी सी तैयारी चल रही है, GTA में भी एंट्री होने वाली है। GTA की स्ट्रीम के लिए तैयार रहना। कल एक छोटा सा इंस्टाग्राम का प्रोमो शूट है मेरे कैरेक्टर का, करूँगा मैं अपना, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग GTA में बहुत ज़बरदस्त एंट्री लेने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा ये छोटा सा प्यारा सा खर्चा भरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से प्यार देना, तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार देना, कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करना, पढ़ने में मज़ा आता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय गाइज़।